गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेरी गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अपना कैमरा ऑन कर लेंगे बेटा, जस्ट स्विच ऑन योर कैमरा, स्विच ऑन योर कैमरा बस फॉर वन मिनट ओनली, हार्डली 30 सेकेंड्स के लिए मैं कैमरा ऑन कराऊंगा। इसके बाद जो बच्चे आंसर देंगे ना, दे विल ऑन देयर कैमरा, ओके। और ये हमको प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि जब इंस्पेक्शन आएगा ना तो वो चाहते हैं कि कैमरा ऑन रहे, समझ लो। इससे क्या होगा कि उनको अच्छा लगता है कि बच्चे कैमरा ऑन करें। और डेली टू डेली जो प्रॉब्लम्स होती हैं, वी अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ नेटवर्क इशू एंड ऑल, तो हम कैमरा ऑन करने के लिए बोलते नहीं है। लेकिन अभी क्या, आप लोग कैमरा अभी ऑन कर लेंगे फिर ऑफ कर लेंगे, ओके। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, ठीक है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज द टॉपिक ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स, ओके। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन जिसे मैं पूछूंगा उन्हीं को आंसर देना है, खुशी पाल से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है। और जिनको आंसर देना होगा अपना कैमरा ऑन कर लेगा, ताकि मुझे मालूम हो जाए कि आप आंसर देना चाहते हैं, ओके। इसके बाद जब कोई कैमरा ऑन नहीं करेगा, देन आई विल आस्क एनीबडी। खुशी पाल से मेरा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रेडर्स, ट्रेडर से आप क्या समझती हैं? खुशी पाल, ओके। नेक्स्ट कैमरा ऑन है मनीषा का, तो मनीषा विल रिस्पॉन्ड अगर खुशी नहीं आंसर दे पाएंगी तो। खुशी पाल, हम केवल 30 सेकंड देंगे एक बच्चे को, उससे ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे। आई एम नॉट एबल टू गिव दो मच टाइम, ओके। तो वीरवर्धन हैज रेज द हैंड ना, वीरवर्धन रिस्पॉन्ड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ट्रेडर्स, ट्रेडर्स कौन होते हैं? वीरवर्धन आंसर देंगे, कैमरा ऑन करेंगे। सर आपने क्या क्वेश्चन बोला था, आवाज नहीं आ रही थी। हाँ, हु आर ट्रेडर्स, ट्रेडर्स कौन है? A trader is an individual who engages in the buying and selling of financial assets in any financial market. अगर इसको शॉर्टकट में बोलना हो तो who will help me? Sir, can I? Yes, Aditi. Sir, traders are the one who sold their goods to customers. ओके, तो एनीबडी इज अ ट्रेडर ना, जो सेलिंग और परचेजिंग के काम में लगे हुए हैं ना, वो ट्रेडर्स होते हैं, ओके। अब ट्रेडर्स जो है फुल फ्लेज जो ट्रेडर्स होते हैं ना, तो सारे लोग अगर एक दो सामान बेचते तो उनको ट्रेडर्स नहीं कहेंगे। हाँ, लोग कॉमन लैंग्वेज में बोलते अलग बात है, लेकिन ट्रेडर्स आर दे आर रजिस्टर्ड ऑल्सो, दे आर रेगुलरली दे आर डूइंग दिस वर्क, ओके। तो ये बात ध्यान रखना कि ट्रेडर्स आर द पर्सन हु सेल, और जैसे अपने वीरवर्धन ने कहा कि दे सेल ऑन द बिहाफ ऑफ अदर्स, ठीक है वो किसी इंस्टीट्यूट के लिए काम करते हैं या उनकी अपनी शॉप होती है, उसी इसी बिजनेस में लगे होते हैं। तो ट्रेडर्स आर द पर्सन, बेसिकली कॉमन लैंग्वेज में कह सकते हैं, दोज हु आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग एंड परचेजिंग ऑन द बिहाफ ऑफ इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस और कम्युनिटी और ग्रुप ऑफ पीपल, ओके। आर गेटिंग पॉइंट, वेरी गुड। चलो तो ट्रेडर्स, ये बताओ कि Who are pilgrims? Sir, can I? Yes, sir. Sir, a man and woman who travel to a holy place are called pilgrims. Okay. So, pilgrims are the person. So, those who are traveling to the holy places. And unko hum pilgrims kehte hain. Okay? अगर वो पिलग्रिम्स, अगर वो इफ दे आर नॉट गोइंग टू द होली प्लेसेस, तो उनको हम क्या कहेंगे? सर, ट्रैवलर्स। वेरी गुड, एग्जैक्टली राइट, ओके, दे आर ट्रैवलर्स। सो ऑल ट्रैवलर्स आर नॉट पिलग्रिम्स, करेक्ट? ऑल ट्रैवलर्स आर नॉट पिलग्रिम्स, एम राइट और रॉन्ग? यस सर। सर ओनली ट्रैवलर्स टू ट्रैवल टू अ होली प्लेस, ओनली हु आर पिलग्रिम्स। But all pilgrims are
ट्रेवलर्स। देखो क्वेश्चन जब बड़ी क्लासेज में आओगे ना बेटा, इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है? ऑल ट्रेवलर्स, ठीक है? जैसे ऑल गर्ल्स, ऑल बॉयज आर ह्यूमन बींग, बट ऑल ह्यूमन बींग्स आर बॉयज, या ऑल ह्यूमन बींग्स आर गर्ल्स, ऐसा कह सकते हैं क्या? No, नहीं क्या? यस यस, वेरी गुड। तो इसी तरीके से आपको दिमाग को एक्सप्लोर करना है, यू हैव टू फ्रेम सच टाइप ऑफ थिंग्स। ओके ओके, ये बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, व्हाई डू यू थिंक ऑर्डिनरी पीपल वर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स भक्ति? सर आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये सीसीटी एग्जाम में आएगा? अभी तो सीसीटी नहीं है बेटा, अभी तो हमारा पीटी सर, पीटी टू बेटा। मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन आएगा? मैं ऐसे कह सकता हूँ क्या? अगर आएगा भी, अगर मैंने भी क्वेश्चन बनाया होता ना, और आप मेरे प्यारे स्टूडेंट हैं, तब भी मैं नहीं बोलूंगा, है ना? ये हमारे लिए एथिक्स है ना बेटा। इस तरह के क्वेश्चंस आप समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डू यू थिंक ऑर्डिनरी पीपल वर अट्रैक्टेड टू भक्ति? सर कैन आई अदिति, सर कैन आई प्रिया सिंह, ओके प्रिया सिंह कैन रिस्पॉन्ड बिकॉज़ आई कैन आई मनीष एवरीबॉडी एंड सिंपली सर कैन यू रीड द क्वेश्चन? वन मिनट लेट मी क्लियर। When I am speaking, all others must switch off their mic so that there should not be any echo. Next, when you have to answer, you simply raise your hand. I am just seeing on the screen because I have not presented my screen. I am just able to see all the students. Okay, so just you simply raise your hand. Okay, so I can see that Aditi Bist has raised the hand. And when after respond, you can this abhi Virvardhan kahan tabhi bhi shayad utha hua hai. तो ये ऐसा नहीं, आप आंसर देने के बाद अपने हैंड्स को डाउन कर लो। प्रिया सिंह कैन रिस्पॉन्ड। यस सर, सर ऑर्डिनरी पीपल वर अट्रैक्टेड टू भक्ति बिकॉज़ भक्ति देयर वर नो रिस्ट्रिक्शन एंड एनीबॉडी कुड फॉलो द पाथ ऑफ द भक्ति एंड सर इट वाज अ पर्सनल चॉइस ऑफ द डीटी। ओके वेरी गुड, मैं भी अपना माइक ऑफ कर लेता हूँ। देखो बहुत अच्छा बात, बहुत अच्छी बात प्रिया सिंह ने बताई कि पहली बात तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट भक्ति मूवमेंट बिकेम पॉपुलर बिकॉज ऑफ द शॉर्ट कमिंग्स ऑफ ट्रेडिशन, ट्रेडिशनल धर्म और प्रैक्टिसेस। उसमें जो कर्मकांड आ गए ना, कर्मकांड का मतलब होता है जो रिचुअल्स जो हम प्रैक्टिसेस करते हैं, उसमें इतनी रिजिडिटी आ गई। However, there was so much democracy in the Sanatana practices, but still there are certain thekedars that make them very rigid, and out of that rigidity, common man, it was very difficult for a common man. So since it is a very democratic society, ours are very democratic society, to ancient period mein agar dekho to Bhagwan Buddha, Mahavir Swami, is tarah ke logon ne एक रिफॉर्म्स मूवमेंट लाए, ठीक है? वो अलग बात है कि बाद में वो एक रिलीजन की तरह एस्टेब्लिश हो गया। इस तरह भारत में जितने भी धर्म निकले ना, चाहे सिखिज्म हो, चाहे बुद्धिज्म हो, चाहे जैनिज्म हो, ये सारे एक्चुअली कोई रिलीजन नहीं थे, एक्चुअली ये सब एक रिफॉर्म मूवमेंट की तरह एस्टेब्लिश होते, ओके? और ये हमेशा होना चाहिए। जैसे हम अपने अंदर ही हमेशा रिफॉर्म करते हैं ना, काउंसलिंग करते हैं, किसी टीचर के पास जाते हैं, किसी रिलेटिव के पास जाते हैं, दिस काउंसलिंग थ्रू आउट द रेगुलर प्रोसेस ऑफ मैन मेकिंग प्रोसेस। तो दीज आर द रिफॉर्म्स मूवमेंट एक्चुअली, ठीक है? तो ये दे आर नॉट वेरी मच स्ट्रिक्ट टुवर्ड्स द कास्ट, क्रीड, जेंडर, मेल फीमेल, एनीबडी कैन ज्वाइन, ठीक है? एंड एनीबडी कैन प्रैक्टिस दीज थिंग्स। तो पहला है कि भक्ति के की तरफ आकर्षण का कारण था कि देखो अब अभी देख लो भक्ति का इम्पैक्ट देख लो कि रसिया वगैरह में देखो आप बहुत सारे आप लोग यूट्यूब में अगर देखते होगे तो आपको बहुत सारे न्यूज वगैरह आता है, हाँ, तो इस तरह के वहां के लोग भारत की जो प्रैक्टिसेस है उसको कितना फॉलो कर रहा है, मेरे पॉइंट। तो देयर वाज नो सच रिस्ट्रिक्शंस कि कास्ट, क्रीड, कलर, जेंडर, इस तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं था, ठीक है? इसके बाद ये बहुत ही सिंपल था, इसमें बहुत रिचुअल्स वगैरह नहीं थे, कर्मकांड वगैरह की जो कमियां होती वो सब चीजें नहीं दिखाई दी। इट वॉज इजी टू प्रैक्टिस कर सकते, इट वॉज इजी टू फॉलो, ओके? और दूसरी बात, हम किसी भी बात को हम कब उससे जुड़ जाते हैं, जब वो हमारी भाषा में हो हम तब हम उससे सर, ओरल के बाद हमारा डिस्क्रिप्टिव होगा क्या टेस्ट?
यस बेटा, बस थोड़ी बाद में कर लेंगे, बाद में बेटा, बीच में नहीं बोलना चाहिए बेटा, अभी तो मेरी बात भी चल रही थी ना बेटा, फ्लो खराब हो जाता है बेटा। ओके अच्छा ओके बेटा, तो देखो दूसरी बात क्या होती है, जैसे मान लो कि मुझे ऋषभ से बात करना है, या मनीषा से बात करना है, या प्रिया से बात करना है, तो अगर मैं उन बच्चों के भाव या किसी बच्चे की बात में करना, अब्दुल, आपसा, जो भी मेरे बच्चे, अगर हम उनसे अगर बात करनी है, उनसे कनेक्ट करना है, तो आपको कितना अच्छा लगेगा जैसे मैं बात बात करूं और उसकी मैथिली में बात करूं, प्रिया से बात करूं उसकी भोजपुरी में बात करूं, शायद उसका भोजपुरी मदर टंग है, आपसा से बात करूं तो तेलुगु में बात कर लूं थोड़ा सा, तो कितना अच्छा लगेगा। आर यू माइंड? तो कहने का मतलब क्या है, इफ द थिंग्स आर डिस्कस्ड और टॉट इन देयर लोकल लैंग्वेज, इसलिए कहा जाता है द बेस्ट मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन और टीचिंग इज अ मदर टंग, जिसमें बच्चे अपने मदर फादर से बात करते हैं, दादी से बात करते हैं, वो उस टंग में अगर बच्चों को पढ़ाया जाता है तो उनकी ग्रास्पिंग अच्छी होती है, क्योंकि उनके पास वर्ड पावर होते हैं, वो आसपास सुनते रहते हैं। अब अचानक मान लो एक बच्चा जो है गांव का बच्चा है, और उसको इंग्लिश में टीचर इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल दिया, और लोग क्या कर रहे हैं ना आजकल, यही कमी कर रहे हैं कि गांव का माहौल है और बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में डाल देंगे, देखते हुए कि समाज में सबके बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में जा रहे हैं और हमारा बच्चा भी जाएगा, और उस चक्कर में क्या होता है, घर में वो माहौल नहीं है, घर में सुविधाएं नहीं है, स्कूल में 6 घंटा बच्चा इंग्लिश में तो बोलता है, उसके पास वर्ड पावर नहीं, उतनी जल्दी वो फास्ट पिकअप नहीं कर पाता, तो वो बच्चा पीछे हो जाता है। तो बेस्ट थिंग है कि अर्ली एजुकेशन मस्ट बी इन द मदर टंग। तो यहीं से ये बात निकल कर आती है कि इफ थिंग्स आर, भक्ति मूवमेंट क्या है, लोकल लैंग्वेजेस में दिया गया, ठीक है, उड़ीसा में तो उड़िया, बंगाल में तो बंगला, तो इस तरीके से वो पॉपुलर हुआ। तो पहली बात तो लोकल लैंग्वेज हो गया, इजी टू प्रैक्टिस हो गया, और किसी तरह का रिस्ट्रिक्शंस नहीं था, जेंडर, कास्ट, क्रीड एटसेट्रा। तो दीज थिंग्स मेक द ऑर्डिनरी पीपल टू अट्रैक्टेड टुवर्ड द भक्ति मूवमेंट, ठीक है, और भक्ति मूवमेंट के पॉपुलर होने की वजह भी थी। तो इसी क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा सकता है कि व्हाई डू यू थिंक ऑर्डिनरी पीपल वर अट्रैक्टेड टू भक्ति मूवमेंट, और द सेम क्वेश्चन कैन बी आस्ड, व्हाई डिड भक्ति मूवमेंट बिकम पॉपुलर, ठीक है, पॉइंट क्लियर, यस सर। ओके, ठीक है, समझ में आया ना सबको। अब हम दूसरा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ठीक है, कि व्हाई वर द मेन, सॉरी, व्हाट वर द मेन फीचर्स ऑफ भक्ति, भक्ति के मेन फीचर्स कौन कौन थे, ठीक है, भक्ति के मेन फीचर्स कौन कौन थे, और हमारे सामने स्क्रीन पर जो हैंड्स रेज्ड हैं, आप जो बच्चे हैंड्स रेज करेंगे ना, मैं उनको चांस दे रहा हूँ। ओके, तो कुछ कुछ हाथ तो कुछ बच्चों ने हाथ उठाए हैं, और बाकी बच्चे, मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चे ही हाथ उठाए, ओके, सारे बच्चे हाथ उठाए तो अच्छा लगता है ना बच्चे। क्वेश्चन रिपीट करेंगे। जस्ट रिपीट द क्वेश्चन, आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन, व्हाट वर द मेन फीचर्स ऑफ भक्ति, भक्ति के मेन फीचर्स कौन कौन थे, ठीक है, ठीक है, भक्ति के मेन फीचर्स कौन कौन थे। ओके, खुशी पाल, आपने हाथ उठाया, बोलो बेटा, जल्दी से बोलो बेटा, ओके भक्ति, सर। हाँ द मेन फीचर्स ऑफ भक्ति आर अ लविंग रिलेशनशिप बिटवीन अ डेवोटी एंड हिज पर्सनल गॉड। भक्ति एम्फेसिस डिवोशन एंड इंडिविजुअल वर्शिप ऑफ अ गॉड और गुडनेस गॉडेसेस, गुड हाँ गुडेस रादर देन परफॉर्मेंस ऑफ एलेबोरेट एलोबरेट सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस डिस्कार्डिंग कंटिन्यू, एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन अ जेंडर कास्ट आप एंड क्रीड। ओके, एनीबडी एल्स हु वांट टू टेक पार्ट इन दैट, ओके, आपसा नूर, नो नो, आपसा नूर हैज नॉट रेज्ड हैंड, उन्नति भारद्वाज, ओके, उन्नति भारद्वाज, यस यू कैन रिपीट, मेन फीचर्स ऑफ भक्ति आर अ लविंग रिलेशनशिप बिटवीन अ डेवोटी एंड हिज पर्सनल एंड द इम्पैक्ट
Jesus, devotion and invitation. In the failure worship of a god goddess rather than performance of elaborate sacrifices. Third, discrediting of any discrimination based on gender, caste or greed. डिस्कार्ड है बेटा, डिस्कार्ड मतलब प्रोहिबिट करना, रोकना, मना करना. चलो, एनीबडी एल्स हु वांट्स टू से फर्दर? अदिति बिस्ट रेज द हैंड. ओके अदिति बिस्ट, बाकी बच्चे खुशी पाओ, हैंड डाउन कर लो बेटा. Yes, sir. So the main feature of bhakti were emphasis on the devotion and individual worship of a deity rather than the performance of sacrifices. Another feature was the housing of deities in temples. Okay, very good. So main features of bhakti is elaborated by many of his students. In any point, if it is left, anybody can want to add. Koi bachcha mujhe bolna chahega? और ओके जाह्नवी, यू आर नॉट रेजिंग योर हैंड, परहैप्स माइक इज द इशू फॉर जाह्नवी. ओके चलो, तो बहुत ही अच्छी बात बताया हमारे बच्चों ने कि भक्ति का जो फीचर्स था क्या था. पहली बात तो कि एक रिलेशनशिप है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई. जब मीराबाई ये कहती हैं कि मेरे तो गिरधर, मतलब हमारे यहाँ भगवान को पुत्र के रूप में देखना है ना. और देखो सूरदास ने, अंधे थे और सूरदास ने जैसी वात्सल्य रस, हिंदी में कई तरह के रस होते हैं ना, श्रृंगार रस है, वात्सल्य रस है, तो वात्सल्य रस में उन्होंने कहा कि मतलब जब हम बच्चे को छोटे, माँ जो बच्चे को प्यार करती है ना, वो प्यार वात्सल्य रस का हिस्सा हो जाता है. ठीक है, ठीक है. और जब हम जब अपने आप को सजाते हैं तो वो श्रृंगार रस का हिस्सा हो जाता है. तो कि मतलब बहुत सारे रूपों में, देखो कितनी डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ कि भगवान को आप पुत्र के रूप में देख लो, भगवान को आप पति के रूप में देख लो, भगवान को आप दोस्त के रूप में देख लो, भगवान को आप किसी भी रूप में देख लो, मतलब भगवान और आप एक हो जाते हो. ठीक है, ये तो उसमें जब मीराबाई कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, कि मेरे तो गिरधर गोपाल तो सब कुछ वही है, दूसरा कोई नहीं है. जब सूरदास कहते हैं कि लट लट करनी मत माधव पद पिए, ठीक है. अब यहाँ पर देखो वात्सल्य रस का वर्णन किया गया, इतना सारा डिटेल में नहीं बताऊंगा. ठीक है, तो पहली बात तो हम एक रूप हो जाते हैं, मतलब इस तरह का जो रिलेशनशिप है ना, जो रिलेशनशिप, इसको हम एक ही वर्ड है, डिवाइन रिलेशनशिप, इसको एक्सप्लेन नहीं किया सकता, इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन इन द इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स. जो प्लेजर लोगों को मिलता है भक्ति करने में, जो शांति मिलती है, जिसे आप सूफी जो हमारे जो संत होते हैं ना, जो वो भी इसी तरीके का कार्य करते हैं, वो बाद के सेंचुरीज में शुरू हुआ, लेकिन वो भी बेसिकली यही काम, और वे धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में फेमस हुआ. ऐसा नहीं है कि केवल वो भारत तक ही सीमित रहा, पूरे वर्ल्ड में इस पावर को लोगों ने समझा, और अगर देखा जाए तो किसी न किसी फॉर्म में हमेशा से मौजूद ही रहा है. म्यूजिक जो है आदमी के जीवन का एक बहुत बड़ा अभिन्न अंग है. ओके तो ये पहला पहला जो पॉइंट है वो आपके, मैंने शेयर भी किया हुआ है कि इट इज अ लविंग रिलेशनशिप बिटवीन द डेवोटी एंड हिज पर्सनल गॉड. हर व्यक्ति का अलग अलग, हर कम्युनिटी का अलग अलग, ऐसे सोच लो. तो ये भी एक बहुत बड़ा फीचर्स है कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, अगर यहाँ से हम अगर एक वैल्यू लेना चाहें तो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी हमको समझा कि कितनी यूनिटी एंड डाइवर्सिटी थी, एंड देयर वाज नो कॉन्फ्लिक्ट अमंग द पीपल, कि ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि यू आर फोर्स टू फॉलो इट, यू आर फ्री टू फॉलो एनी ऑफ गॉड और गॉडेसेस. ठीक है, हमको ये अच्छा लगता है, जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ, आपको दूसरे टीचर से पढ़ाते हैं, ये कोई बाउंडेशन नहीं कि नहीं आपका जो लॉयल्टी है वो केवल पांडे सर के प्रति हो, ऐसा नहीं. यू आर इक्वली, यू आर फ्री टू बी लॉयल एंड टू बी रिस्पेक्ट, टू गिव रिस्पेक्ट टू अदर्स ऑल्सो. ठीक है, argument point. So it indicates the democracy, it completes democracy, और यही unity and diversity का, इसे अगर हम बात करें, कुछ values हैं
नेशनल वैल्यूज जिसको हर सिटीजन को फॉलो करना चाहिए, और यही वैल्यूज जो है यूनिवर्सल वैल्यूज भी है कि जिसमें सबकी भलाई इसी में निहित है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया वसुधैव कुटुंबकम्। ये एक यूनिवर्सल वैल्यूज है, ये कोई भारत की वैल्यूज नहीं है। हमारे यहाँ भारत की जो वैल्यूज है वो कहीं ना कहीं यूनिवर्सल वैल्यूज को इंडिकेट करता है। तो हम लविंग रिलेशनशिप बिटवीन द डिवोटी एंड हिज पर्सनल गॉड। दूसरा पॉइंट जो आपके पास है, आपके आंसर्स के, आपके पास जो आंसर है, भक्ति इम्फेसाइज्ड डिवोशन एंड इंडिविजुअल वर्शिप ऑफ अ गॉड और गॉडेसेस रदर देन परफॉर्मेंस ऑफ एलोबरेट सैक्रिफाइस। बीच के काल में क्या हुआ कि लोग इंडिविजुअल सैक्रिफाइसेस वगैरह देते थे, मतलब किसी बलि देने की प्रथा जो थी ना वो आई, जिसकी आलोचना बापू ने भी की थी, महात्मा गांधी ने भी की थी कि नहीं इट इज रॉन्ग, ठीक है। तो वो सब जो सैक्रिफाइस देने वाली बात थी ना, तो उस पर लोगों के ऑब्जेक्शन आए और भक्ति मूवमेंट में इस तरह की कोई चीज नहीं थी। ओके, थर्ड पॉइंट जो आपके पास है, इट डिस्कार्ड्स ऑफ एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर कास्ट और क्रीड। किसी जेंडर के आधार पर नहीं कि हमारा टेम्पल है उसमें आप एंट्री करोगे नहीं करोगे, ऐसा नहीं, आप सब लोग फ्री हो। बीच के कालखंड में इस तरह की स्थितियां आई थी जब रिजिडिटी आ गई थी एंड दैट वाज नॉट एक्सेप्टेड। ओके, सो इस तरह का रिस्ट्रिक्शंस नहीं था। अब बताओ जहां पर फ्रीडम मिल जाएगा, जहां पर रोक होगी कि नहीं नहीं आप फीमेल हो आप नहीं जा सकते हैं, आप इस कास्ट के नहीं जा सकते, तो वहां से लोग को परेशानी होगी ना बेटा। आपको कैसा लगेगा कि नहीं नहीं लड़कियों के स्कूल में एडमिशन नहीं होगा, आपको कैसा लगेगा बताओ, बीइंग अ गर्ल। हाँ, लड़कियों को आर्मी में नहीं जाने देंगे। देखो अब इसीलिए सरकार ने क्या बदलाव लाया कि लड़कियां भी आर्मी में जाएंगी भाई। हाँ, लक्ष्मी बाई जब रानी बन सकती हैं, चिन्नम्मा बन सकती हैं, हाँ, तो ये अहिल्याबाई बन सकती हैं या रजिया बन सकती हैं, तो बाकी हमारे यहाँ लड़कियां क्यों नहीं जाएंगी भाई भाई। हाँ, लड़कियां भी जाएंगी, पायलट लड़कियां बन रही है। हाँ, उन्नति पायलट बन जाएगी तो मुझे कितना अच्छा लगेगा, मैं पिछली वाली सीट पर बैठ जाऊंगा। खुशी पाल बन जाएगी कितना अच्छा लगेगा, लक्ष्मी बन जाएगी तो कितना अच्छा लगेगा, है ना। सोचो जरा कि पायलट बन गई और मैं पीछे की सीट पर बैठा हूँ, उसके पापा मम्मी बैठे हैं, मैं भी बैठ गया तो मुझे अच्छा लगेगा, मेरी स्टूडेंट है और पापा मम्मी को अच्छा लगेगा कि मेरी बिटिया आर गेट इन माइंड, तो देश को अच्छा लगेगा कि बेटियां आगे बढ़ रही, तो पूरे समाज को अच्छा लगता है। तो किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन इस भक्ति मूवमेंट में नहीं देखने को मिला। लास्ट पॉइंट है, इफ अ डिवोटी वर्शिप्स द चोजन डाइटी विद अ प्योर हार्ट, द डाइटी विल अपीयर इन द फॉर्म इन विच ही और सी मे डिजायर। जैसे इसको इसको इस तरीके से समझा सकता है, भगवान क्या है। देखो जब हम किसी सड़क पर चलने वाले व्यक्ति को कुछ अपने खुश होके देखते हैं, उसकी अवस्था खराब है और उसको हेल्प करते हैं, तो अंदर से बड़ा ही अच्छा लगता है, प्लेजर मिलता है, ठीक है। आर्गेनो पॉइंट ओके। चलो बच्चे आपस में कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दे रहे हैं एक दूसरे को, है ना। ओके ठीक है बेटा, ये भी ध्यान रखना चाहिए कि क्लास में हम लोग को कैसे बैठना है ना, इसका ध्यान रखना चाहिए ना बेटा। स्क्रीन जब आप ऑन करते हैं ना तो क्योंकि दूसरे का डिस्ट्रैक्शन होता है ना, ठीक है। तो हम अपने मन की पवित्रता से अगर हम कोई भी काम करते हैं ना, तो दैट मेक्स अस हेल्प, दैट हेल्प्स अस टू लीड टू द पाथ ऑफ सक्सेस, मन की पवित्रता। तो आप भक्ति जब किसी की भी करोगे ना, भक्ति में क्या होता है ना कि यू आर सरेंडरिंग योरसेल्फ टू द पर्टिकुलर डाइटी, सरेंडर करते हो कि देखो मैं हार गया, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा सब कुछ लूट गया, अब जो कुछ भी तुम ही हो, मुझे बचा लो। इस तरह से अंदर से कोई फीलिंग आती है, जस्ट सोचने का प्रयास करो कि हम कोई गलती करते हैं ना तो भाग के खा जाते हैं, मम्मी की गोद में भाग जाते हैं, मम्मी पापा मारेंगे बचा लो मुझे। कभी ऐसा अनुभव किया है आपने? Yes, sir. ना ऐसा बहुत बार हुआ होगा ना, कभी आपने कुछ गलत काम कर लिया तो मम्मा जो होता है, कभी कभी पापा भी होता है, ऐसा नहीं कि मैं केवल मैं बोल रहा हूँ कि पापा हिटलर है, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा। पापा के ट्रीट करने का तरीका अलग होता है, पापा लोग थोड़े कड़क होकर ट्रीट करते हैं बच्चे को, वही काम करते हैं जो मम्मी मतलब प्यार से बच्चे को रास्ता दिखाने का काम करती है ना, पापा लोग थोड़ा कड़क ओके ये काम करते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो बाहर निकलते हैं, देखते हैं कि दुनिया की परेशानियां कैसी है, तो थोड़ा वो कड़क रहते हैं, है ना। दोनों का काम एक ही होता है,
पॉइंट। तो आप लोग कभी ऐसा अनुभव करते हो ना कि हम लोग सरेंडर करते हैं, मम्मी बचा लो प्लीज, अगली बार से नहीं होगी मामा, है ना, ऐसा होता है ना, उसी तरह हम भगवान के पास चले जाते हैं यस जब, सर, हाँ तो चले जाते हैं उनके मंदिर में, चले जाते हैं कहीं भी, जो भी जिस सिस्टम को भी आप फॉलो करते हैं वहां चले जाते हैं कि मतलब अब मेरा कुछ भी नहीं, मुझे बचा लो। और मेरे कई रिलेटिव्स उन्होंने अपने मन की बात जब हमसे शेयर की ना, तो उनकी कंडीशन बहुत ही खराब हो गई थी। और उसके बाद आदमी कुछ अनवांटेड स्टेप्स लेते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग जो भक्ति वाले होते हैं ना वो टूटते नहीं है। देखो ये सबसे बड़ी बात क्या होती है, जब आपको कोई रास्ता नहीं दिखता है, रिलेटिव्स नहीं साथ देते हैं, कभी कभी पेरेंट्स का भी मान लो पेरेंट्स आपके पास नहीं पहुंच पाते ना, तो जो लोग भक्ति वाले होते हैं ना वो टूटते नहीं है, यही फायदा होता है। अच्छा चलो मेरे पास कोई नहीं है, मेरे साथ मेरा समाज नहीं है, मेरे साथ मेरा कोई नहीं है, रिलेटिव कुछ भी नहीं, मेरे साथ मेरा भगवान तो है ना। रिमाइंड वो हमको रास्ता दिखाएगा, आप शांत होके बैठ जाते हो मेडिटेशन की मुद्रा में, इसलिए मैं मेडिटेशन कराता हूँ, ठीक है, मेडिटेशन की मुद्रा में बैठते हो, मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, क्या मैं इसीलिए हूँ, जीवन इतना कमजोर है कि मैं अपने जीवन को त्याग दूँ, अंदर से आवाज आती है नहीं उठो बस, ठीक है, इस तरह की कोई फीलिंग आ जाएगी, ठीक है ना बेटा। तो इस तरीके से हम तो भक्ति का सबसे बड़ा फायदा यही, ओके, सबसे बड़ा फायदा है, क्योंकि जीवन बहुत बहुमूल्य है और इस जीवन में हमको सारी कुछ सारी चीजें हमको करनी है, बट एज अप्रोप्रिएट चीजें हमेशा हमको करनी चाहिए, जो हम उस उम्र के लायक है उस काम को। जैसे 6 महीने के बच्चे को हम ये नहीं कह सकते ना बेटा, वो कहेगा कि नहीं नहीं बड़े वाले, बड़ी दीदी या बड़े भैया, सर हिंदी क्लास की। ओके वेरी गुड वेरी गुड। तो ये हमने दो तीन क्वेश्चंस किए लेकिन बहुत सारी बातें हमने डिस्कस की, करेक्ट ना, यस सर, ओके, यस बहुत सर, अच्छा यस लगा होगा, सर, मुझे उम्मीद है कि यस आप लोगों को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य है क्या, पढ़ाई और पढ़ाई के साथ जीवन की पूछना तैयारी, ठीक है। तो चलिए फिर हम मिलेंगे, ठीक है, अगर एक्स्ट्रा क्लास भी लेना पड़ेगा तो मैं जरूर ले लूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि मेरी हम ओके लोग सर, बाय हम, सर, हैव अ नाइस हाँ वेरी गुड, डे, आपसे बाय बाय कुछ पूछना बाय सर, बाय बाय बाय, बाय गोली सर, मत, बाय गोली मत, सर, हाँ बाय सर, थैंक यू, बाय हाँ सर, एक्सक्यूज मी सर, बोलो जो आपने बेटा, क्वेश्चंस भेजे हैं उन्हें अपनी फेयर कॉपी में करना है। बेटा इसको पहले तो इसके एनसीईआरटी कितने क्वेश्चन